सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग का M30s और इसमें जो एक नया सॉफ्टवेयर आ चुका है दोस्तों, एक नया अपडेट आ चुका है। तो आपको करना क्या, सेटिंग में जाना है, सबसे पहले तो चेक करना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, उसके बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए करीब 319 MB का जो है ये सॉफ्टवेयर अब है। अब इसमें देखिए कैमरा जो इम्प्रूव किया गया है, ये देखिए न्यू कैमरा फंक्शन हैज बीन एडेड, AR डूडल और द स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा हैज बीन इम्प्रूव्ड। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेबिलिटी जो है कैमरे की इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इस मोबाइल की जो कैमरे की स्टेबिलिटी बहुत ही बेकार थी। उसके अलावा द सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव्ड हुआ है। तो ये जो मेन जो है, दो तीन चीज़ जो है ऊपर की, ये मेन जो है इसमें इस सॉफ्टवेयर में मेन चीज़ अपडेट है। बाकी उसके अलावा जो सिक्योरिटी वगैरह है, वो सिक्योरिटी पैच वगैरह है इसमें, जो कि 1 नवंबर 2019 तक का है। तो मेन जो है कैमरा के फंक्शन जो है वो देखना है हमको, और ये देखना है कि स्टेबिलिटी कितनी इंप्रूव हुई। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या आप इसको अपडेट कर देंगे, तो उसके लिए हम डाउनलोड पर लगा देंगे। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद जो है मैं इसको चेक करूंगा इसके कैमरे में क्या नई चीज़ है और कितना जो है इम्प्रूव हुआ कैमरा, और उसके बाद जो है आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो इधर दोस्तों मैं इस अभी जो है वीडियो को स्टॉप कर देता हूं, इधर से मैं कट कर दूंगा, और बाकी जब जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको अपडेट करने के बाद जो है पूरा सब चेक करने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। दोस्तों इधर जो है मैं अपने सैमसंग M30 इसको अपडेट कर चुका हूँ, तो अभी आपको जो है चेक करा देता हूँ। सेटिंग में जाके जो है आपको बता देता हूँ न्यू वर्जन जो है इसमें, ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉल हो गया है। और दोस्तों अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, दो चार दिन में आपको भी अपडेट मिल जाएगा, बस आप जो है चेक करते रहिए। ये देखिए करेंट वर्जन ये है, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 1 नवंबर 2019 तक का हो गया है। अब सबसे मेन चीज़ में चेंजेस क्या मिले हैं, तो सबसे पहले तो बता दूँ कि इसमें ये जो है आप देख सकते हैं सैमसंग शॉप जो है, इसमें एक नई ऐप जो इंस्टॉल हो गई है, ये आप देख सकते हैं, और जो कि मेरे ख्याल से कोई काम की नहीं है। यह सैमसंग शॉप इसका मुझे नहीं लग रहा इतनी कोई काम की ऐप है, तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं। तो अभी जो है मेन चीज़ जो है मैं आपको कैमरा बता देता हूँ। जो कैमरे में जो है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक हुई, और एक नया फीचर जो है ऐड हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए कैमरा खोलने के बाद वीडियो में जाना है। ये देखिए वीडियो पे क्लिक करूँगा मैं, तो कोने में देखिए एक कॉर्नर में जो आपका नया जो है फीचर्स ऐड हो गया है, और इसको कहते हैं डूडल। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं, तो मैं जो हूँ दोस्तों आपको फ्रंट जो है कैमरा ओपन करता हूँ, तो ये देखिए अभी देखिएगा आप, ये देखिए ये जो है आपका डूडल जो है इसमें इस प्रकार से कुछ काम करता है। ये देखिए आप बाकी और करके देख सकते हैं। अब मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, तो इसमें भी दोस्तों ये सिलेक्ट किया तो इसमें जो है फाइंड फेस बोल रहा है ना, तो मतलब ये फेस पे ही करेगा, कोई पर्सन का करेगा। तो इधर कोई फेस अभी मेरे फिलहाल तो सामने कोई है नहीं। तो अब जो है ये एवरीवेयर ऊपर जो फीचर दिख रहा है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से जो है ये पेंसिल वगैरह दी हुई है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, इसको ये इधर से बैक हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। तो ये नया फीचर जो है ऐड हो गया है, अगर आपको लगता है काम का है तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और बाकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी इसकी ठीक हुई है, जब हम वीडियो वगैरह लेते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं भी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी जो है ठीक हुई है, और जो पहले जो काफ़ी जो ज़्यादा सेक करता था वो नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है फ़ोटो भी जब हम लेते हैं तो ये देखिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसका कैमरा इम्प्रूव नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं सही बताऊं तो ये जो M30s का जो कैमरा है इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आया है। अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो बहुत सारे जो MI के फ़ोन हैं उनका कैमरा ज़्यादा बेटर है इससे। हाँ ये ज़रूर है कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी पहले के कंपेरिजन में ठीक हुई है, और ये नए फीचर डूडल जो ऐड हो गया है। इसके अलावा आपको ना फ्रंट कैमरे में बैक कैमरे में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई नए फीचर्स ऐड हुए हैं, सिर्फ सैमसंग शॉप जो है ऐड हुई है। और जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वैसे ही है, बैटरी ड्रेन भी वैसे ही कर रहा है, हीटिंग जितना पहले कर रहा था वो भी सब एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
तो दोस्तों बस मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। ये कुछ जो है जानकारी देनी थी अपडेट के बारे में, तो आप भी अपडेट कर लीजिए। नहीं मिला तो आप चेक करते रहिए, 2-4 दिन में आपको भी अपडेट मिल जाएगा और ये ऑफिशियल अपडेट है। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर M30S से रिलेटेड आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और वीडियो बनाऊंगा M30S को लेकर, और बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।